ग्वालियर हाईकोर्ट के मुख्य गेट पर एक महिला मुवक्किल और वकील के बीच छीना झपटी हो गई। महिला का आरोप है कि उनका वकील नकल के एवज में पैसे मांग रहा था और जब उसने थाने में इसकी शिकायत करने की कोशिश की तब उस पर दबाव बनाकर राजीनामा लिखवा लिया गया। फिलहाल पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। डबरा की रहने वाली महिला रचना देवी अपने पति की जमानत के सिलसिले में हाईकोर्ट आई थी। उसके वकील संदीप और महिला में नकल के 3,000 रुपए लेने देने को लेकर विवाद हो गया। महिला का कहना था कि उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि कोर्ट ने 10,000 रुपए जमा कराने की शर्त पर उसके पति राहुल को जमानत दी थी। महिला मुवक्किल के पति राहुल पर लूट का आरोप है और वह इन दिनों डबरा जेल में बंद है। महिला का आरोप है कि वकील संदीप ने उसके साथ मारपीट की है और जबरन पैसे मांगे हैं। नकल सेक्शन में पैसे देने के नाम पर उससे यह मांग की जा रही थी। उसका यह भी कहना है कि वकील ने उसे कोई फीस का दस्तावेज भी नहीं दिखाया। दोनों पक्ष विश्वविद्यालय पुलिस थाने पहुंचे और लेकिन अधिवक्ता के समर्थन में अन्य वकील भी आ गए और महिला पर दबाव बनाया कि वह शिकायत नहीं करे। बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। कैसे नहीं तेरा फूट डाल दे वहाँ से कैसे तेरा गाड़ी लेकर कहो छीना जब्ती करके तो भी रहता है कि आपको इतना सबमिट करना है, तो उसी शुल्क को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ था और दोनों ही पार्टी उनकी थाने पे आई थी और इनका लेकिन आपस में सेटलमेंट हो गया है। वो कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी है ऐसी, ना ही लिखित में कोई आवेदन दिया है, लेकिन आपस में वो राजीनामा करके चले गए हैं। ऐसी उनने सिर्फ महिला ने अपनी तरफ से ही उसने लिखवा के दिया है, हमारी तरफ से हमें ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया कि उनने कोई जबरदस्ती उनसे की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।